Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we start a new topic, complex conjugate. देखिए complex conjugate क्या होता है. देखो एक मैं बात clear कर दूँ आपको कि आप जितने भी हमारे लगभग अभी तक आपको 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो उनको आप सब वीडियोस को देखना है और वो भी सीरियल वाइज. अगर आप सीरियल से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको उनको सीरियल से देखते हुए और उनको सबको नोट भी करना है. तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कंजुगेट represented by z bar. z bar बोलते हैं इसको. जैसे देखो z equal to आपके पास x plus iota y है तो इसका जो conjugate होगा ना वो किससे represent होगा, z bar से. तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं केवल plus, और जो plus है ना यहाँ पे उसको क्या बना देना है, minus. बस कोई change नहीं आएगा इसके अलावा. अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया और इसका अगर कंजुगेट पूछेगा तो क्या करना है, जो माइनस दिया ना उसको प्लस बना देना, बस और कुछ नहीं है इसमें. मैं क्लियर कर दूं, जस्ट आयोटा इज रिप्लेस बाय माइनस आयोटा. लेकिन आप ऐसा भी ध्यान मत रखो, केवल क्या रखो, ये प्लस है तो उसको माइनस कर दो. क्वेश्चन में बोलेगा भाई एक बार बताओ ये पेन है आपके पास यू, इसको मैं यू कर दूं, ठीक है, तो ये उसका पहले का क्या हो गया, कंजुगेट रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ. ऐसे ही अगर कोई शुरू में ही ऐसा दिखाएगा तो आप उसको क्या कहोगे, ये उसका उल्टा होगा. क्लियर है ना. तो कहने का मतलब है प्लस अगर क्वेश्चन में है तो उसका कंजुगेट बनाओ तो क्या बना दो, माइनस, और जब माइनस ही क्वेश्चन में है तो क्या बना दो, प्लस. प्लस इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एंड माइनस इज रिप्लेस्ड बाई प्लस. क्लियर. अब आप लिख सकते हो जेड इक्वल टू अगर लिख दिया कोई वन प्लस आयोटा तो इसका जेड बार क्या होगा, वन माइनस आयोटा. केवल प्लस है उसको किस में बदल दिया, माइनस में, कंप्लीट. ऐसे ही देखो जेड इक्वल टू माइनस टू माइनस फाइव आयोटा, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो देखो जेड बार कैसे होगा. देखो इस पर तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई चेंज नहीं होगा. ये आयोटा वाला है ना उसके आगे देखो क्या है, माइनस है ना, तो उसको क्या बना दो, प्लस फाइव आयोटा. केवल आयोटा के आगे जो साइन है वो चेंज होगा, बाकी नहीं होंगे. जैसे आपको लिख दिया फाइव माइनस सिक्स आयोटा तो क्या करोगे, जेड बार इक्वल टू फाइव और इस आयोटा का आगे क्या है, माइनस, तो प्लस सिक्स आयोटा. ठीक है. अगर कहीं ऐसा लिख मिल जाए माइनस इलेवन माइनस फोर्टीन फिफ्टीन आयोटा तो क्या लिखोगे, जेड, जेड इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो. देखो माइनस इलेवन तो सेम रहेगा, केवल कहां जाना है, आयोटा. आयोटा के आगे क्या आया है, माइनस, इसको क्या बना दो, प्लस आयोटा. कंप्लीट टॉपिक. ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. अब मैं एक और टॉपिक ले लेता हूं, छोटे से टॉपिक है, ये क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम काम में आएंगे. और जो आपको नोट सेंड किए जाते हैं उनको आप डेली का डेली नोट किया करें ताकि फिर एकदम ज्यादा आप पे बर्डन नहीं पड़े. तो देखिए अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देखिए इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इनवर्स और वन अपॉन जेड.
मतलब या तो आप जेड इनवर्स बोलो या फिर क्या बोल दो, वन अपॉन जेड। तो कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या हुआ, या तो हमें जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है या फिर वन अपॉन जेड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब बड़ा मजा आएगा, अब ध्यान देना। देखिए जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा है। अब देखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, जेड इनवर्स, इसको क्या बोल सकते हो, वन अपॉन जेड, एक ही बात है। उसके बाद देखो वन अपॉन जेड की जगह वन प्लस आयोटा, और मैंने कहा था कि आयोटा जनरली डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, वन अपॉन वन प्लस आयोटा, तो क्या करेंगे वन माइनस आयोटा से ऐसे मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा, न्यूमिनेटर में तो क्या आया वन अपॉन वन माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर देखो ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, कंप्लीट। तो देखो वन माइनस आयोटा अपॉन वन का स्क्वायर वन, और ये माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, तो देखिए क्या आया वन माइनस आयोटा अपॉन में टू, और यही आपका क्या है आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब समझे कि जब किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको अगर जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, दैट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखोगे, जो दिया है उसको वन अपॉन समथिंग लिखो, जैसे वन अपॉन जेड किया और जेड क्या था वन प्लस आयोटा, और इसका आपने क्या किया रेशनलाइजेशन किया, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद देखो वन प्लस आयोटा है तो इसके क्या किया अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया, प्लस था तो माइनस वाले से किया और हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप करिएगा इन सबको और अच्छे से पूरा एक बार रिवीजन करना। अब अगली क्लास से हम आगे करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन मॉडुलस, ये सम कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही,